इतना करीब से सी लायन आपके भाई ने कभी भी नहीं देखा है। इस मछली का साइज देखें भाई, बहुत ज्यादा ह्यूज है। ये साइज देखें मेरे पीछे। और चले जी, एक और नंबर उठाया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई पहुंच चुका है मनीला ओशन पार्क, जो कि बहुत बड़ा एक्वेरियम है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, एक लंबी सी लाइन है, लेकिन हमने जो टिकट है वो ऑनलाइन ले लिए थे, तो हमें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। हमारे मोबाइल में हमारे टिकट्स हैं। शो ऑल स्टार बर्ड शो एंड सी लाइन शो जो है वो होने वाला है, तो उसकी लाइन के अंदर हम लग गए हैं। लाइन को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त शो आपका भाई आपको दिखाने वाला है, आपने पूरा देखना है। बहुत बड़ा सा भाई, पूरा स्टेडियम टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है, और हमारी कोशिश होगी कि हम आगे वाली जगह ले लें, वीडियो शूट जो है बहुत अच्छा सा हो सके। आगे वाली जगह पे इंतहा की कोई गर्मी है, कराची की गर्मी भाई मैं यहाँ पर भी मिस नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर भी वैसी गर्मी मिली है। तो हमने कोई मिडल वाली, ये जो रॉ है ना, ये वाली जगह ले ली है, और यहाँ से बिल्कुल ओके वाला नज़ारा है। ये देखें, बिल्कुल ओके नज़र आ जाएगा, मतलब हम पूरा शो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, और आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आएगा। तो भाई 4K पे शूट कर रहा है आपका भाई, ताकि थोड़ा जूम भी करे तो आपको जो वीडियो है वो काफ़ी साफ सुथरी से मिले। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक साउंड भी बजाए, यकीनन जो है वो कोई ना कोई सीन है। अभी देखेंगे यहाँ पे कि क्या सीन है यहाँ का। फाइनली भाई आधा घंटा इंतज़ार किया है, धूप में सड़ती हुई, 4 बजे से आगे बैठे हुए थे, और जो है वो हमने आगे वाली सीट इसलिए नहीं ली थी कि भाई उधर धूप आ रही थी। अब जब 4:30 बजे है तो यहाँ पीछे अब जब हम पीछे आ गए हैं तो यहाँ पर भी धूप आ गई है भाई, तो पूरी मेहनत ज़ाया हो गई है और आगे वाली जगह भी चली गई है, तो ये भी एक मसला होता है भाई। और अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ का शो, अपनी ज़बान में इन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दिए हैं। एक बर्ड शो है और एक सी लायन का शो है, तो अभी देखते हैं कि पहला मेरे ख्याल से ये बर्ड शो करेंगे, क्योंकि बर्ड शो का सामान जो है वो सामने रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से पहला शो जो है वो बर्ड शो ही होगा। ये आ गई भाई, यहाँ की वीना मलिक आ गई है, और ये तोता उड़ता हुआ है भाई, इसके बाद तोता उड़ता हुआ है, तो तोते की हो गई एंट्री, और इस तरीके से जो है बर्ड शो जो है स्टार्ट होने जा रहा है। ओ तोते ने भाई झंडा लहरा दिया, काकाटू ने झंडा लहरा दिया भाई। ये बोल रहा है कि ये इन प्यालों में से किसी एक के अंदर जो है ना एक चीज छुपा रहा है, तोता आगे इसको ढूंढेगा। अब देखते हैं ढूंढ पाता है नहीं ढूंढ पाता है। अब देखते हैं तोता ये कर पाता है या नहीं। भाई काकाटू आया है और अब ये ढूंढेगा कि किस प्याले के अंदर है। ओ ढूंढ लिया भाई, ढूंढ लिया। ये मैच करवा रहे हैं भाई, बास्केटबॉल का मैच होगा दोनों ही पैरेट के बीच में। सासी एंड राठी इनका नाम है। राठी। अब देखते हैं कंपटीशन करा रहे हैं, कौन जीतता है, कौन सा तोता जीतेगा। ओ भाई इसने गोल कर दिया। ओ हो 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 भाई जबरदस्त। कह रहे हैं अब ये रिंग रेस करा रहे हैं एक और अब उसके अंदर जो दूसरा तोता जो है वो कैरी जीतेगा, तो जाहिर है इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है, इनको पता हो अब कौन जीतेगा। बताओ जल्दी बताओ कमेंट में कौन जीतेगा। और भाई जबरदस्त भाई, जबरदस्त। वाह 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 भाई भाई। अभी रश वश भी ठीक ठाक होने लगा है, लेकिन धूप की वजह से जो है ना बस थोड़ा सा परेशानी हो रही है, वरना ये शो बड़ा मजेदार है भाई, बहुत मजेदार शो है। ये एक और ट्रिक करा रहा है, और ये पहले से ज़्यादा मुश्किल ट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग शेप जो है वो तोते को आइडेंटिफाई करने, और उसी करेक्ट शेप को जो है वो उसी के डब्बे के अंदर लगाना है। तो ये देखें ज़रा, ये गया है और इसने ये एक शेप उठाया, अब ये लेके जा रहा है उसको, स्क्वायर उठाया इसने, नहीं डायमंड उठाया, क्या उठाया इसने,
ये लगा दिया भाई इसने, लगा दिया पहला शेप लगा दिया, अब दूसरा शेप लगाने जा रहे हैं। ढूंढ रहा लगा दिया भाई, ये भी लगा दिया। ओ ये वाला भी लगा दिया, जबरदस्त 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 जबरदस्त। और ये अब आखिरी शेप रह गया भाई, आखिरी शेप रह गया है और ये भी ये लगा दिया भाई। वाह 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 वाह। इन्होंने ना पैरट को ना वो कलर और शेप दोनों की ट्रेनिंग दी हुई है, तो इनका तोता जो शेप और कलर दोनों ही पहचानता है। और अब दूसरे बर्ड्स आने वाले हैं, ये कह रहा है कि हम इससे जो ना मैथमेटिक्स के जो सम्स होते हैं वो सॉल्व कराएंगे तोते से। तो ये नंबर पूछ रहा है कि 1 से 15 तक का कोई भी नंबर बताओ और उसका वो टोटल या माइनस करके जो है वो तोते को बताएंगे। नंबर आगे पीछे शफल करके अब ये कह रहा है इक्वेशन सॉल्व करेगा। और ये देखें इन्होंने कोई नंबर लिखा है और ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, उसने नंबर ला के दिया है एक 1। और अब ये नंबर क्या लाएगा, चले जी एक और नंबर उठाया है इन्होंने, एक और नंबर निकाल के लाया, 7 + 5 = 12। बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया, जबरदस्त जबरदस्त। वॉलंटियर बुलाया, हमने हाथ उठाया लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया, किसी रैम नाम के वॉलंटियर को बुला लिया, इससे पैसा लेके जाएगा। हाँ ये आया भाई, तोता आ गया इसके हाथ में और ये तोते ने पैसा उठाया और पैसे लेके ये निकल गया भाई। ओ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, पैसे लेने का तरीका भाई जबरदस्त जबरदस्त। अरे भाई आउल उड़ता हुआ है, ये आया ये आई ये एक ईगल आउल है जो उड़ता हुआ आया है। कबूतरों की भी एंट्री हो गई भाई, इन्होंने कबूतर भी ट्रेन किए और कबूतर भी सारे यहाँ पर आए। आउल आ गया है, ईगल अभी तक आसमान में ही है और ये कबूतर जो है ये उड़ के वापस जा रहे हैं। ओए उधर भी गेम शुरू हो गई भाई, तोते ने गेम खेलना स्टार्ट कर दी। और ये तोते क्या कर रहे हैं कि ये ट्रीट ये जो है ना चीजें उठा रहे हैं और डब्बों में जाके डाल रहे हैं। Ladies and gentlemen, we hope you all enjoyed our show. ट्रेनर जो है ना वो इंट्रो करा रहे हैं, ये ट्रेनर हैं जो इन्होंने बर्ड्स ट्रेन किए हैं। एंड बहुत जबरदस्त सा शो था भाई, बहुत सारी ट्रिक्स उन्होंने करी है यहाँ पर। और अब जो वो सी लाइन शो स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए ये पूल यहाँ पे सजा हुआ है, तो सी लाइन शो अब देखेंगे हम। आपके भाई ने थोड़े सा आगे आगे जो ना सीट पकड़ ली है, क्योंकि जब रूम में बैठना है तो बंदा थोड़ा सा आगे आगे बैठेगा, म्यूजिक थोड़ा सा लाउड है तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब व्यू कुछ इस तरह का आएगा और जूम करने पे और भी अच्छा नजर आएगा। देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में भी होने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी ख्वाहिश होगी कि मैं इन शोज का पायनियर बन जाऊँ और अपनी टीम के साथ। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबल टीम है जो ये काम कर सकती है और हम करेंगे ज़रूर। मैं इससे पहले थाईलैंड गया था, वहाँ पर भी मैंने शो देखा था, तो खैर ये उससे तो थोड़ा सा कम था, लेकिन एनीवेज इस जगह के हिसाब से बहुत अच्छा शो है। देखिए ये जैसे सिनेमा में चिप्स बेचने आते हैं ना, तो ऐसे ही यार थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है और कह रहा है कि आप हमें जो है ना यहाँ के 700 पैसा दें, तो बदले में जो है ना हम आपको सी लाइन के साथ या पैरट के साथ पिक्चर लेने देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे पे कर दिए और हम जो है वो सी लाइन के साथ पिक्चर ज़रूर करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसके साथ थोड़ी सी वीडियो भी बन जाए। जो स्टार्ट होने वाला है भाइयों, मंच जो है वो सज गया, इन्होंने पहले सफाई करी, इसके बाद दो बॉल्स ला के यहाँ पे रखी है। ये देखें एक बॉल ये रखी हुई है और एक बॉल ये रखी हुई है, पूल भी पूरा रेडी कर दिया इन्होंने। सी लाइन आ गया ये यहाँ पे और ये आ रहा है सी लाइन, और ये दो सी लाइन आ रहे हैं भाई, यहाँ से व्यू काफी अच्छा आ रहा है। हाँ चलते हुए आ रहे भाई, ओ डाइव मार रहा है।
वाला भी आ रहा है भाई, डाइव मारता हुआ और ये बाहर आके स्लिप मार गया भाई, आहा, और वो वहां से निकला भाई। तो एक को तो उन्होंने पानी में भेज दिया, दूसरा वाला जो है वो रेडी हो गया, बैठ गया। हेलो, बहुत अच्छा। So guys, in fact, they appear to be flying underwater as they swim from place to place, right ladies? And you know, But some differences between a seal and a sea lion is the fact they have bigger front flippers and also turn their back flippers, something seals cannot do. अच्छा, इन्होंने एक्सप्रेशन भी सिखाए हैं भाई, एक्सप्रेशन कैसे देने। चले जी, अब शायद स्विमिंग कराएंगे। हाँ जी, अब स्विमिंग कराएंगे। बॉल फेंकी है और ये बॉल बैलेंस कर रहा है भाई, बॉल बैलेंस कर रहा है, बॉल बैलेंस करता वाला है भाई, बॉल बैलेंस करता वाला है। वाह वाह वाह, स्टेडी हैंड और गट। भाई ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज करा दी इन्होंने। एक्सीलेंट वर्क लेडीज। ओ हो हो हो, भाई ये कैसे कराया हुआ है यार। मुझे आप खुशी है डांस। लेट्स मूव इट। क्लैप योर हैंड्स एवरीबॉडी, कम ऑन। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, डांस कर रहे भाई, डांस कर रहे। एंड द फ्लिपर डांसिंग। वाह वाह वाह, ग्रेट डांस नंबर, किस स्वीट। Keep our surroundings clean. Aside from pollutions, there are many other threats to their survival all over the world. पिक्चर की टिकट ली हमने, ये 700 पैसा की, तकरीबन कोई $15 करीब होगी। तो अभी जाके पिक्चर लेते हैं। तो भाई हम आ गए हैं पूल वाले एरिया के अंदर, और ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे शो हो रहा था, हम यहाँ पर अभी पहुँच गए क्योंकि हमारी जो है वो पिक्चर होने वाली, हमारा क्यू में नंबर 3 है और वो उसमें भी 2 नंबर बुलाया, हम 3 के लिए जो है वो 3 हमारा नंबर है। तो जैसे ही हमारा नंबर आएगा हम वहाँ पे जाएंगे और पिक्चर के जाएंगे। जी, तो मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम गर्मी बहुत थी इसलिए थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया। तो अभी हम उधर जाएंगे और पिक्चर के जाएंगे। ओके ओके ओके, तो ये सी लाइन आ गया भाई। ओ हो भाई, भाई इतना करीब से सी लाइन आपके भाई ने कभी भी नहीं देखा है, सामने पिक्चर हो रही है, पिक्चर हो रही है और ये हंस रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय भी कर रहा है भाई। अच्छा भाई, ये स्प्रे भी करा रहे हैं ताकि हाथ जो है वो अगर आपने टच किया तो कोई गंदा ना हो। फोटो और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से क्लिक की गई थी, और अब मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि 1 घंटे के बाद ही हमारी फ़ोटोज़ जो है वो प्रिंट करके भी दे देंगे। तो देखते हैं पिक्चर कैसे आती है। ओवरऑल हमारा शो जो है ये बहुत ज़बरदस्त गया, और थैंक्स टू माय वाइफ अनीसा, इससे मेरी बड़ी हेल्प करी। उसकी वजह ये है कि भाई 2-3 दिन हो गए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा इधर ख़राब हो चुकी है, और बिल्कुल भी जो है वो मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे मेरी वाइफ ने, और हम फाइनली यहाँ पर आए और मैंने शूट किया टूर का। तो टूर हम करा रहे हैं ओशन पार्क के अंदर का, जिसके अंदर दुनिया की नायाब नस्ल की मछलियाँ हम देखेंगे। देख लें, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दुनिया के एक बड़े से एक्वेरियम को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर। तो यहाँ से होगी भाई एंट्री, बल्कि एंट्री यहाँ से है, यहाँ से जो अपनी पिक्चर्स मिलेगी। हम लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ से बस अब हम अपना प्रिंट ले लेंगे। दिखा रहे हैं कि कहाँ से मैं व्लॉग बना रहा था। चलिए, तो इसका प्रिंट मिल गया, ये हमारी पिक्चर, और अभी इसको रैप अप करके देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर। हम अंदर एंटर हो गए हैं और हम हमेशा की तरह हर बार लेट हुए हैं। यहाँ से हमारा ओशन पार्क शुरू होता है भाई।
भाई एंट्री के ऊपर ही ऐसी धमाकेदार चीज नजर आई है। इस मछली का साइज देखें भाई, बहुत ज्यादा ह्यूज है। ये साइज देखें मेरे पीछे, और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की मछली है और बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज है यार इसका। उफ, यहाँ पर भी एक्वेरियम है, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा ये फिशेस तो मैं पहले देख चुका हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा हम वो फोकस करेंगे। ये चिकलेट्स हैं मेरे फेवरेट फिशेस, और ये देखें, देखिए चिकलेट्स लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे फोकस वो वाली चीज करेंगे जो हमें ज्यादा जो है वो नहीं मिली देखी। वो भाई ये शार्क का साइज देखें, इतनी बड़ी शार्क मैंने नहीं देखी यार इसके अंदर। और वो हमारे जू में भी है ये वाली फिश। और ये देखिए साइज देखें कितना ह्यूज है यार। प्यारे प्यारे पाउंड्स बने हुए हैं दोस्तों। का एक लेंस लगा हुआ है, और अगर इसको गौर से देखने में हमें इसको जूम करना पड़ेगा। तो ये स्टार फिश है यहाँ पे सामने जिंदा, और ये स्टार फिश है, और ये जो कोरल्स है ना ये सारे जिंदा हैं, ये रीफ सारे जिंदा हैं। बहुत बड़ा है दोस्तों, और ये अंधेरा है लेकिन आप लोग को थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा जहाँ जहाँ लाइट्स हैं। ये छोटे छोटे एक्वेरियम्स के अंदर कोरल रीफ्स हैं, प्लांट्स हैं जो सारे जिंदा हैं। और मिल गई भाई वो चीज़ जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये हमारी नीमो वाली मछली है, फाइंडिंग नीमो के अंदर जो होती है क्लाउन फिश। और यहाँ पर बहुत सारी हैं, वाह ज़बरदस्त भाई, पूरा इन्होंने बहुत अच्छा सा एक्वेरियम बनाया हुआ है। देखिए कितनी सारी हैं, और ये बहुत बड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर ये बहुत आराम से नज़र आ रही हैं। ये देखिए क्लाउन फिश, भाई पानी का घोड़ा जिसे कहते हैं सी हॉर्स, और ये बराबर में बैठा हुआ है मेरे। ये देखें ये रहा सी हॉर्स, ये बैठे हुए। और दोस्तों ये जानवर है जिनके जो मेल्स होते हैं वो बच्चे देते हैं और फीमेल्स बच्चे नहीं देती। ये देखें ये एक आया ऊपर से तैरता हुआ, और एक ये रहा। ये सी हॉर्स को चेक करें यार, मैंने इतना करीब से पहले सी हॉर्स नहीं देखा। उफ ब्यूटी, क्या दिख गया मुझे, ये बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम्स आ गए हैं। और ट्रैवलिंग फिशेज यार ये पाकिस्तान में भी होती है, और ये समंदर के अंदर पाई जाती हैं, बहुत जायंट साइज की। ये सॉल्ट वाटर फिश है, ये समंदर के अंदर होती है दोस्तों, और ये परिंदों का भी शिकार कर लेती है। ये बहुत ही बड़े साइज़ की है मेरे पीछे, बहुत बड़े साइज़ की। कम से कम ये एक मछली जो है वो कुछ नहीं 10 से 12 किलो की है। आप ये देखें, मैं आपको बता नहीं सकता इसका कितना ह्यूज साइज़ है, बहुत ही जाइंट साइज। समंदर वाला माहौल बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार है वो इन्होंने भाई, बहुत ही शानदार सा। और हम इस वक्त जो है वो टनल के अंदर है, और हमारे इर्द गिर्द जो है ये सारी मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या कवर करूँ भाई। तो ये देखें चारों तरफ, और ये ऑलमोस्ट वही वाली मछलियाँ जो अभी हम देखते हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एरिया आ गया है, यहाँ पर भी मछलियाँ हैं, यहाँ पर भी मछलियाँ हैं, यहाँ पर भी मछलियाँ हैं। उफ ये शार्क, ये शार्क्स बैठी हुई हैं, और इतना करीब से शार्क्स मैं पहले भी देख चुका हूँ, और मैं शार्क के साथ जो है वो स्विमिंग भी कर चुका हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। बता रहे हैं भाई जहाँ पे इन्होंने पेंगुइन्स रखे हुए हैं। तो हम जा रहे हैं फाइनली पेंगुइन्स को देखने के लिए, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं पेंगुइन्स को देखूंगा। वैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है लेकिन वो मैं मिस कर गया हूँ, पेंगुइन्स को खाना खिलाने की होती। तो शीशे में हमने जाके पेंगुइन्स को देखा, तो शीशा काफ़ी गंदा था, लेकिन आपके भाई ने फाइनली एक स्पॉट ढूंढ लिया जैसे इसको क्लियरली देखा जा सकता था। ये देखिए कितना क्यूट सा नज़र आ रहा है सामने पेंगुइन्स। और पेंगुइन्स बर्फ़ानी इलाकों के जानवर हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सर्दी वाले माहौल में रखा हुआ है, और तकरीबन 7-8 के करीब थे इनके, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। और हमें पता चला कि इनका जो फीडिंग का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, तो हम इनको फीडिंग नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर भाई मेरे लेट होने की वजह से एक और एक्टिविटी ख़राब हुई। ओ अब हम बाहर निकले तो बहुत अच्छी सी एक शॉप थी, यहाँ पे पेंगुइन्स के जो स्टफ़ वाले टॉयज़ थे वो सबसे ज़्यादा मिल रहे थे। यकीनन यहाँ पे जो विजिटर्स आते होंगे एज अ सुवेनियर्स वो अपने साथ इसको ले जाते होंगे। बहुत अच्छा सा व्यू था बैल्कनी से, और तो स्पेशली 30K जो है मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, उसका वादा पूरा किया। आपका भाई फिलीपींस आया मनीला, और यहाँ पे जू को भी कवर कर चुके हैं, शो को भी कवर कर चुके हैं अंदर ओशन पार्क को। तो प्लीज़ बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।